अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दीन ए नबी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आप सभी का वेलकम है और मैं हाजिर हूँ एक नया इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक टॉपिक के बारे में, जो कि है कि इस्लाम ने लड़की की निकाह के लिए उसकी इजाज़त लेनी क्यों ज़रूरी है। तो बातों को करते हैं यहीं पर बंद और वीडियो को करते हैं शुरू। हज़रत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुंवारी लड़की का निकाह ना किया जाए जब तक कि उसकी रजामंदी ना हासिल कर ली जाए, और उसका चुप रहना उसकी रजामंदी है, और ना निकाह किया जाए बेवा का जब तक उसे इजाज़त ना ली जाए। तिर्मिजी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 566। इमाम बुखारी रदिल्लाहु ताला अन्हा नकल फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीका रदिल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़की तो निकाह की इजाज़त देने में शर्माती है। तो आप रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खामोश होना ही उसकी इजाज़त है। बुखारी शरीफ हज़रत अब्दुल्ला रदिल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बालिग कुंवारी लड़की से उसके निकाह की इजाज़त ली जाए, अगर वो खामोश हो जाए तो ये उसकी तरफ से इजाज़त है, और अगर इनकार कर दे तो उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तिर्मिज़ी शरीफ हदीस 1101 जिल्द 1। इस तरह इस्लाम में हर कुंवारी लड़की जो शादी लायक हो और अगर उसके माँ बाप उसकी शादी कराना चाहते हों तो उसकी इजाज़त ज़रूर ली जाए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा जहरा रदिल्लाहु ताला अन्हा से भी उनके निकाह से पहले इजाज़त ली थी। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि हज़रत अली और बीवी फातिमा का रिश्ता जो है वो अल्लाह पाक ने आसमानों पर तय कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बीवी फातिमा से उनकी रजामंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली और उनका निकाह हज़रत अली से किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल दीन ए नबी नॉलेज ऑफ इस्लाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सबसे अच्छे दो उसूल खौफ खुदा इसके रसूल।